हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो हैं डाइजेशन के बारे में स्टडी किए थे और वहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग में वो देखे थे। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, गिव डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का जो है डेंटल फॉर्मूला आपको बताना है। तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 123/2123। जो फर्स्ट का आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2123/2123। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। तो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट जो है आपका क्या होता है, इनेमल होता है, इनेमल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट क्या होता है। तो ह्यूमन जो होते हैं उनमें जो टीथ होता है वो लाइफ स्पैन में 2 times ग्रो करता है, यानी ह्यूमन के जीवन काल में जो टीथ है उसका डेवलपमेंट जो है 2 बार होता है। नहीं, फर्स्ट जो है टीथ, पहली बार जब टीथ डेवलप्ड होता है तो उसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, और सेकेंड बार जो टीथ का डेवलपमेंट होता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, यानी 2 times डेवलपमेंट हुआ टीथ का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है, नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर किसी प्रकार का डाइजेशन जो है नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलियम, सेकेंड स्टोमेक, थर्ड जो है माउथ, और फोर्थ जो है ईसोफेगस। तो आप लोगों को बताया गया है पहले कि जो ईसोफेगस होता है वहां पर किसी भी प्रकार का फूड का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए फोर्थ का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी ह्यूमन जो है एलिमेंट्री कैनाल है उसका करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को बताना है, सही कौन सा है। ए में है माउथ, माउथ के बाद स्टोमेक, तो माउथ के बाद स्टोमेक जो है वो नहीं आता है, इसलिए ए आपका नहीं होगा। सेकेंड में है माउथ, माउथ के बाद इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टोमेक, स्टोमेक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्टोमेक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड सी क्या है, माउथ है, स्टोमेक है, इसोफेगस है, तो माउथ के बाद स्टोमेक नहीं होता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी क्या है, माउथ है, इसोफेगस है, इसके बाद स्टोमेक, स्टोमेक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है आपका क्या है, डी है, डी जो है करेक्ट सीक्वेंस है, इसलिए आंसर जो है फिफ्थ का क्या है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है। ए में है इसोफेगस, बी में है फेरिंग, सी में है स्टोमेक, और डी में है माउथ। तो कॉमन पैसेज जो है दोनों के लिए कौन होता है, सिक्स का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा बी, यानी फेरिंग्स। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टांस कौन सा है। तो ए में है डेंटाइन, बी में इनेमल, सी में माउथ कैविटी, और डी में एचसीएल। तो हार्डेस्ट सबस्टांस जो होता है इनेमल होता है, इसलिए सेवेंथ का आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, इनेमल। एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टेस्ट, यानी डिफरेंट
टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला, नहीं टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला कौन होता है? ए में है माउथ, बी में है इसोफेगस, सी में है टीथ और डी में है टंग। तो एट का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा टंग यानी डी। तो ये था वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है लेवल का उसे देखते हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड। देखिए असर्शन क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है सबसे ज्यादा मिलता है, ये असर्शन में दिया गया है। रीजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के बाद, तो ये है रीजन। तो देखिए क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रदान नहीं करता है, यानी असर्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है फैट से प्राप्त होता है। रीजन जो है दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के बाद, तो हाईएस्ट अमाउंट नहीं मिलता है, नहीं ये जो है सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है फैट से मिलता है, इसलिए रीजन जो है वो भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। इसलिए जो आपका आंसर होगा यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को पहले भी कराया गया है, वहां पर कुछ डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं उसके अनुसार, जो कि दोनों जो है असर्शन और रीजन फॉल्स है, इसलिए यहां पर आंसर आपका डी हुआ है। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट रहता है और रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को करेक्टली, तो ये आंसर भी होता। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो इस कंडीशन में बी होता। सी में है कि असर्शन अगर ट्रू है और रीजन जो है फॉल्स है, तो इस कंडीशन में आपका सी होता। और डी में होता है क्या कि असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो तो डी होगा। यहां पर दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर आपका डी हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल जो है क्वेश्चन का उसे देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ ह्यूमन एडल्ट, किसमें बोला गया है एडल्ट में, इज अबाउट 3.5 मीटर। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लेंथ जो है 6.5 मीटर होता है, इसलिए फर्स्ट जो है आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डेंटल कैरीज काउज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ बेस इन माउथ, यानी डेंटल कैरीज जो है वो बेस के कारण होता है, तो ये एसिड के कारण होता है, इसलिए सेकंड जो है वो भी आपका फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन, इन इसोफेगस म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं तो प्रेजेंट होते हैं, थर्ड का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ यंग इज 21:22/21:22, यंग में बोला गया है इसलिए यहाँ पर फोर्थ जो है वो भी क्या है ट्रू है, चूंकि यही फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला होता है यंग का, तो फोर्थ जो है ट्रू हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, इन ड्यूडेनम विल्ली आर प्रेजेंट, यानी ड्यूडेनम जो है उसमें विल्ली पाया जाता है, तो ड्यूडेनम में विल्ली जो है नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फिफ्थ जो है आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये था ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, यानी इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, बोला गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका मिडिल जो पोर्शन होता है, नहीं बहुत ही क्वाइलिंग उसमें होता है, तो वो कौन सा पोर्शन होता है, तो फर्स्ट का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा
जीजुनम, क्या होगा? जीजुनम हो जाएगा। सेकंड देखिए, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इज द पार्ट ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन वेयर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं सिकम में, नहीं लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। तो सेकंड का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा सिकम, सिकम में पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो होता है पैंक्रियाज, यानी थर्ड का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर पाए जाते हैं, तो माउथ में पाए जाते हैं, इसलिए फोर्थ का आंसर जो है आपका माउथ हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, पेंक्रियाज इज फिल इन द ब्लैंक्स ग्लैंड, किस प्रकार का ग्लैंड है, तो पेंक्रियाज जो है हेटरोक्राइन ग्लैंड होता है। फिफ्थ का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, हेटरोक्राइन ग्लैंड। ये था फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट जो है आपका क्या है, माउथ है, माउथ जो है उसमें क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी फर्स्ट का जो आपका मैच होगा सी के साथ, यानी फर्स्ट का सी हो जाएगा। सेकेंड है टंग, टंग जो है उसमें पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो सेकेंड जो है उसका आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है आपका कौन सा होता है, लिवर होता है, तो थर्ड का जो है आपका हो जाएगा ई। फोर्थ हेटरोक्राइन ग्लैंड, पेंक्रियाज को हम लोग हेटरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, तो फोर्थ का जो है आपका हो जाएगा बी। फिफ्थ कंसंट्रेट एंड स्टोर द बाइल, यानी बाइल को कंसंट्रेट और स्टोर करने का फंक्शन जो है गॉल ब्लैडर का होता है, इसलिए फिफ्थ का हो जाएगा ए। तो ये था मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर जो बॉक्स जो है वो ब्लैंक है, उसमें आप लोगों को फिल करना है क्या होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल दिया गया है, और सेकंड जो है वहाँ पर आपको फिल करना है, यानी ए जो है, जो ए है तो ए के नीचे देखिए क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स पेंक्रियाज, यानी यहाँ पर ग्लैंड्स दिए गए हैं, तो ए जो है आपका क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स दिए गए हैं वहां पर, सॉरी एसोसिएटेड एसेसरी ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स दिए गए हैं। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड जो है आपका क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, चूंकि बी के नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है कोलोन और रेक्टम, यानी ये जो है पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, तो बी जो है आपका क्या हो जाएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ पर ए के नीचे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियाज। तो एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, तो कौन सा बच गया, सी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लीवर, लीवर ग्लैंड। अब देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो है जिसको हम लोग सीकम कहते हैं, यानी डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तो फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड जो है जेजुनम और थर्ड इलियम, यानी ई जो है आपका क्या है, जेजुनम है। तो ये था फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लीवर, लीवर क्या है, डिस्क्राइब देयर फंक्शंस, लीवर का फंक्शन क्या है। तो देखिए लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। और इसका जो फंक्शंस है, फंक्शन क्या करता है, ये जो है हमारे बॉडी में बाइल जो है, बाइल को सिंथेसाइज करता है और सेक्रेट करता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, व्हाट इज डेंटल कैरिज, डेंटल कैरिज क्या है, तो डैमेज ऑफ टीथ बाय एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बाय बैक्टीरिया। यानी जो आपका टीथ है ये क्या होता है, डैमेज्ड होता है किसके द्वारा, तो एसिड जो प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके द्वारा। तो ये हुआ डेंटल कैरीज। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम ऑल द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब स्लाइटली अबाउट देम। यानी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जितना भी पार्ट्स है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये जो है पहले इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट जो है आपका क्या होता है, ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये डिवीजन हुआ एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखिए जो फंक्शन की बात करते हैं, तो ड्यूडेनम जो है वहाँ पर क्या होता है, फूड का डाइजेशन, मैक्सिमम फूड का डाइजेशन जो है ड्यूडेनम में होता है। जेजुनम जो है वहाँ पर क्या होता है, स्लाइटली डाइजेशन और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम जो है वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो सीकम जो है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से। कोलोन जो है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम वाटर का। और रेक्टम जो है वहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, जिनको हम लोग फिकल मैटर कहते हैं, वो जो है स्टोर रहता है। तो ये है फंक्शन हुआ, जितने भी हैं उनके बारे में हल्का हल्का हमने बता दिया। और देखिए एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स तो कितने प्रकार के होते हैं, थ्री प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। लीवर होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स और पेंक्रियाज। सीक्वेंस में बोले तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होता है और पेंक्रियाज होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, ये जो है हमारे बॉडी में सलाइवा को सिक्रेट करता है। नहीं, लीवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये जो है हमारे बॉडी में बाइल जो है इसका सिंथेसाइज करता है, जो फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। थर्ड जो है पेंक्रियाज, तो इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये जो है हमारे बॉडी में एंजाइम और हार्मोन दोनों को
सिक्रीट एंड सिंथेसाइज करता है। तो ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है, तब तक के लिए थैंक्स।